हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर वैशाली वसावड़ा, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेराटोजेंस एसोसिएटेड विथ ह्यूमन मालफॉर्मेशन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है टेराटोजेंस की, इन्फेक्शियस एजेंट, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट्स, हॉर्मोन्स एंड मैटरनल डायबिटीज, जो एक डिसीज है जिसे टेराटोजेनिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है फीटस में। सो ये सभी कैटेगरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो जो भी एएनसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एएनसी केयर प्रैक्टिस, इफ यू आर एन आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड यू आर प्रैक्टिसिंग गर्भ संस्कार इन एनी अदर पैथी लाइक होम्योपैथी और यूनानी और एनी अदर पैथी, इफ यू आर डीलिंग और प्रैक्टिसिंग विथ सम प्रैक्टिसेस दैट डील्स विथ दी प्रेगनेंसी केयर, तो ये सभी प्रकार के क्लिनिशियन के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से टेराटोजेंस जो है वो ह्यूमन माल फॉर्मेशन डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज मियरली लाइफस्टाइल एक्टिविटीज, डाइट एंड सप्लीमेंट्स, जो मेडिकेशंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इतना एडवाइस करना इनफ नहीं है। एज ए डॉक्टर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक केस आता है कि जो प्रेगनेंसी के साथ उसे और कोई बीमारी है जिसकी वो मेडिसिन पहले से ले रहे हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे कंपल्सरीली वो मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ सकती है, तो ऐसे टाइम पे दे मे आस्क वेदर आई कैन टेक दिस मेडिकेशन और नॉट। सो रिगार्डिंग दोज थिंग्स यू शुड बी वेल अवेयर कि पेशेंट को उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, बेबी को क्या क्या नुकसान हो सकता है, और इसके अलावा भी कुछ हॉर्मोन्स एंड कुछ इस तरीके के केमिकल एजेंट्स है जो वो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं लेकिन कभी हम सोचते नहीं है कि वो प्रेगनेंसी पे भी इम्पैक्ट ला सकते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई चूज दिस टॉपिक टुडे। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट टेराटोजेंस एसोसिएटेड विथ ह्यूमन मालफॉर्मेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शियस एजेंट की हम बात करें, सो इन्फेक्शियस एजेंट्स मीन्स जो एनवायरमेंट में से जो पेशेंट को इन्फेक्शन लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जस्ट 1 or 2 month प्रायोर प्रेगनेंसी, और लाइक स्प्रेडिंग यानी कि कोई दूसरे इंडिविजुअल से उसके साथ रहने से, उसकी चीज़ों को यूज करने की वजह से वो इन्फेक्शन आ सकता है, या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। तो उनमें से है रूबेला वायरस, सो ये रूबेला वायरस है, नेक्स्ट है साइटोमेगेलो वायरस, देन हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस, ये सारे, एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये इन कॉम्बिनेशन, इसे टॉर्च इन्फेक्शन कहा जाता है। मैनी टाइम ओपीडी में टॉर्च इन्फेक्शन के साथ मल्टीपल एबॉर्शंस की हिस्ट्री वाले पेशेंट्स भी आते हैं, जब हम उनमें टॉर्च टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आते हैं। सो ऑलमोस्ट केसेस में प्रेगनेंसी जो है वो नेचुरली अपने आप टर्मिनेट हो जाती है, अबॉर्शन हो जाता है, लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है तो अगर पेशेंट को रूबेला वायरस पॉजिटिव है IgG, देन इट मे लीड टू कैटरेक्ट्स इन इन्फांट और फीटस, ग्लूकोमा, हार्ट डिफेक्ट एंड डेफनेस। अगर साइटोमेगेलो वायरस है तो माइक्रोसेफेली यानी कि जो ब्रेन है उसकी साइज छोटी होती है, ये डिपेंड करता है कितने लेवल का इन्फेक्शन है, देन ब्लाइंडनेस, देन मेंटल रिटार्डेशन एंड फीटल डेथ। हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस अगर है बॉडी में, देन माइक्रोप्थाल्मिया यानी कि जो आईबॉल है उसकी साइज छोटी होती है, माइक्रोसेफेली सेम थिंग, जो ब्रेन जो है उसकी साइज छोटी होती है, एंड रेटिनल डिस्प्लेशिया, रेटिनल डिस्प्लेशिया यानी कि ये जो रेटिना है आई का एक स्ट्रक्चर, उसमें सेल रिलेटेड या टिश्यू रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है। अगर वेरिसेला वायरस है बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन लिम्ब हाइपोप्लेशिया यानी कि स्पेसिफिक लिम्ब जो है उसका जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप्ड रहता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, एंड मसल जो है एट्रोफी यानी कि बचपन से ही मस्क्यूलर एट्रोफी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो लोकोमोटर सिस्टम है, जो लोकोमोटर डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो सकता। देन अगर HIV इन्फेक्शन है विच इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, जिसमें माइक्रोसेफेली वंस अगेन सेम थिंग, ब्रेन साइज स्मॉल होती है, एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, देन टॉक्सोप्लाज्मोसिस लीड्स टू हाइड्रोसेफेलस, दैट इज बिग साइज ब्रेन और बिग साइज हेड, देन सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन यानी कि ब्रेन में जगह जगह पे कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, एंड माइक्रोप्थाल्मिया दैट इज स्मॉल साइज आईबॉल, देन सिफिलिस लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन एंड
डेफनेस। सो ये सारे बात हुई इन्फेक्शियस एजेंट्स, ऐसे इन्फेक्शन की जो बेबी को टेरेटोजेनिक इफेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल एजेंट्स, जिसमें मेनली एक्सरेज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कहीं पे भी आप जाते हो इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जहाँ पे रेडियोग्राफी का इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ एक्सरे सीटी एमआरआई के बाहर लिखा होता है कि प्रेगनेंसी अगर है तो उनको उस रूम के नज़दीक नहीं जाना है। और डॉक्टर जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरे सीटी एमआरआई जो है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसकी जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट है उसमें माइक्रोसेफेली स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा मींस जो स्पाइनल कॉलम है उसका जो एंड पॉइंट है वहां पे स्पाइन्स जो है वहां पे फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है। देन क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, यानी कि ये जो अपर ओरल कैविटी का जो अपर पोर्शन है, बोनी पोर्शन जो जिसे हम पैलेट कहते हैं, वो डिवाइडेड रहता है या क्लेफ्ट रहता है, जिसकी वजह से स्पीच प्रॉब्लम भी पेशेंट में देखने को मिल सकती है। देन लिम्ब डिफेक्ट्स देखने को मिल सकती है, अपर एंड लोअर लिम्ब का जो नॉर्मल फॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। देन हाइपरथर्मिया, इसे सिंपली हम सिवियर फीवर के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, किसी भी रीजन से फीवर आ सकता है। तो किसी भी रीजन से बॉडी में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एनेंसेफेली, स्पाइना बाइफिडा, मेंटल रिटार्डेशन एंड फेशियल डिफेक्ट्स देखने को मिल सकती है। सो दीज आर फिजिकल एजेंट्स। नेक्स्ट इज केमिकल एजेंट्स। सो केमिकल एजेंट्स जो है वो आमतौर पे किसी मेडिसिन के रूप में या घर में जो कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, कुछ केमिकल्स आप यूज कर रहे हो, इनफैक्ट आप नए कपड़े लेके आते हो मार्केट से जिसमें डाई कलरिंग एजेंट यूज होते हैं, अगर आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो पहना है और किसी पसीने की वजह से या बारिश में जाने की वजह से इफ दैट पर्टिकुलर कलर वो उसमें से डिजोल्व होके फिर आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है और टेरेटोजेनिक इफेक्ट दे सकता है। सो यू नेवर नो कि कहाँ से टेरेटोजेनिक इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी में आ सकती है। सो थैलिडोमाइड जो है वो एक ड्रग है जो डेक्सोमिथाजोन के साथ मल्टीपल माइलेमा ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। कई बार उसे लेप्रोसी जैसे डिसीज को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है, या तो लेप्रोसी को फिर से प्रिवेंट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बाय मिस्टेकली या कंटिन्यू हो गया है अननोइंगली, देन इट मे लीड्स टू लिम्ब डिफेक्ट एंड हार्ट माल फॉर्मेशंस इन फीटस। देन दूसरी ड्रग है एमाइनोप्टेरिन। एमाइनोप्टेरिन जो है वो जो ड्रग है वो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट की तरह यूज होता है, आमतौर पे बच्चों में ल्यूकेमिया ट्रीट करने के लिए यूज होता है, या कोई कैंसर में एज अ कीमोथेरापेटिक एजेंट के लिए यूज होता था, बट 1950 के बाद इसे डिसकंटिन्यू किया गया क्योंकि उसके बाद मिथोट्रेक्सेट यूज होता था जो इसके कंपेयर, दैट इज एमाइनोप्टेरिन के कंपेयर लेस पोटेंट है बट लेस साइड इफेक्ट है उसकी। एंड कई बार ये ड्रग जो है उसे सोरियासिस ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। अगर किसी को सोरियासिस की ट्रीटमेंट चल रही है जिसमें एमाइनोप्टेरिन है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, एंड आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो या बाय मिस्टेकली प्रेगनेंसी रह जाती है, तो शायद बच्चे में एनेंसेफेली, हाइड्रोसेफेली, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। सो जैसे पैलेट में क्लेफ्ट होता है वैसे लिप में, यानी कि स्पेशली अपर लिप ज्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें, तो लिप जो है वो डिवाइडेड रहता है टू पार्ट में, और हमेशा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट दोनों मोस्ट ऑफ द केसेस में साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। देन दूसरी है डाइफिनाइल हाइडेंशन। सो डाइफिनाइल हाइडेंशन जो है ये स्पेसिफिक ड्रग कार्डियक एरिथीमियाज यूज कर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। इसके यूज की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो सकता है, फीटल हाइडेंशन सिंड्रोम, जिसमें फेशियल डिफेक्ट एंड मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। देन वेल्पोरिक एसिड और फेनिटोइन, सो जनरली ये बाइपोलर डिसऑर्डर, एपिलेप्सी और माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मेडिसिन कंटिन्यू है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ सकती है बेबी में, हार्ट क्रेनियो हार्ट रिलेटेड एनोमलीज और एबनॉर्मलिटीज, क्रेनियो फेशियल एंड लिम्ब एनोमलीज जो है वो डेवलप हो सकती है। देन ट्राइमेथाडियोन, दैट इज ऑल्सो अगेन एंटी कन्वल्जेंट, इट मे लीड टू क्लेफ्ट पैलेट, हार्ट डिफेक्ट, यूरोजेनाइटल एंड स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज। एंड लिथियम जो है वो मूड स्टेबिलाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है इन केस ऑफ मेंटल इलनेस लाइक मेनिया,
हाइपोमेनिया और हाइपरमेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन जैसे डिसीजेस में यूज होता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज कंटिन्यू है तो फिर हार्ट मालफॉर्मेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्फेटेमाइन, वो नार्कोलेप्सी यानी कि स्लीप डिसऑर्डर में यूज होता है और एडीएचडी में यूज होता है। तो वो जो है वो अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू है तो सेम थिंग, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एंड हार्ट डिफेक्ट्स हो सकती है। वारफेरिन जो है वो यूज होता है टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स इन सिस्टम, इट मे लीड टू कॉन्ड्रोडिस्प्लेसिया। सो कॉन्ड्रोडिस्प्लेसिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर जो बोन ऑसिफिकेशन या लिगामेंट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, टेंडन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से पर्सन का स्ट्रेचर जो है, जो ह्यूमन स्ट्रेचर ह्यूमन शेप, वैसा मेंटेन्ड नहीं रहता है एंड माइक्रोसेफेली डेवलप हो सकता है। देन एसीई इनहिबिटर, वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंटिन्यूड है तो ग्रोथ रिटार्डेशन एंड फीटल डेथ भी हो सकती है। कोकेन जो है वो कई बार स्मॉल डोज में मेडिसिनल यूज के लिए भी यूज होता है, और कोकेन आमतौर पर एक ड्रग है जो ड्रग एडिक्ट्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन, माइक्रोसेफेली, बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज एंड गैस्ट्रोस्टिसिस। सो गैस्ट्रोस्टिसिस जो है उसमें क्या होता है, जो जो कंटेंट है लाइक इंटेस्टाइन एंड फर्दर इट्स पार्ट्स, वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर प्रोट्रूड हो जाते हैं। लिटरली वी कैन विजुअलाइज दिस इंटेस्टाइन्स आउटसाइड द एब्डोमिनल वॉल ऑफ द फीटस। देन अल्कोहल, दिस इज वेरी कॉमन इन डेवलप्ड कंट्री एस्पेशली, एंड इन डेवलपिंग कंट्री, इन डेवलप्ड सिटीज इट इज वेरी कॉमन दैट फीमेल्स आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। एंड जब स्पेशली अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है या प्लान्ड प्रेगनेंसी में भी, बिकॉज ऑफ अनेबल टू विदड्रॉ इट, वो कई बार प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंटिन्यू रखते हैं, तो उसकी वजह से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इससे पहले मैंने फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यू कैन रेफर दैट। शॉर्ट पाल्पेब्रल फीशर्स, जो आई जो है, आई लीड्स, उस वो जो उसकी जो फीशर्स है वो शॉर्ट रहती है। देन मैक्सिलरी हाइपोप्लेशिया, मैक्सिलरी बोन का जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप्ड रहता है। हार्ट डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट इज आइसोट्रेटिनियॉन, एक विटामिन है, स्पेसिफिकली विटामिन ए का एक सोर्स है। सो उसमें उससे क्या हो सकता है, विटामिन ए एम्ब्रियोपैथी, स्मॉल और एबनॉर्मली शेप्ड ईयर, मैंडिबुलर हाइपोप्लेशिया, क्लेफ्ट पैलेट एंड हार्ट डिफेक्ट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। सो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, सो आमतौर पे घर पे जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, जितने भी ग्लू है, स्टिकिंग प्रोडक्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट, जितने भी केमिकल्स जो किचन में या बाथरूम में हम यूज करते हैं, वहाँ कुछ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स आते हैं। तो अगर ज्यादा कॉन्टेक्ट में हम उसके आते हैं तो लो बर्थ वेट बेबी, क्रेनियोफेशियल एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है वो डेवलप हो सकती है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स जहाँ जहाँ यूज होते हैं उन केमिकल्स का कॉन्टैक्ट जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड वुमन जो एज अ स्वीपर किसी इंडस्ट्री में या कोई कंपनी में वर्क कर रही है, जिनको एवरीडे ये सॉल्वेंट के साथ काम करना पड़ता है, तो उनके लिए ये बहुत रिस्की है। तो ऐसे पेशेंट्स को अवेयर करना बहुत जरूरी है। देन ऑर्गेनिक मर्क्यूरी, सो मर्क्यूरी भी सेम चीज है, किसी इस तरीके के प्रोडक्ट्स में से इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में आ सकता है या फ्रॉम इंडस्ट्री। और कुछ फिश है, स्पेसिफिक फिश जिनकी बॉडी में मर्क्यूरी का प्रमाण पाया गया है, तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आर सिमिलर टू सेम ऑफ सेरेब्रल पाल्सी डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लेड। लेड जो है वो एक इस तरीके की का सब्सटेंस है जो नॉर्मली एज अ कलरिंग एजेंट और एज अ डाइंग एजेंट यूज होता है इन केस ऑफ इन कॉस्मेटिक्स, जहां जहां पे कलर यूज होता है वहां पे लेड होता है। इन क्लॉथ, क्लॉथ के लिए जो डाई यूज होती है कलर करने के लिए, अगर क्लॉथ में से कलर जो है वो निकल रहा है या वो डाई जो है वो पानी में डालने से कलर बाहर आ रहा है, उसका मतलब कि थ्रू दैट कलर वो लेड जो है वो आपकी बॉडी में जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हार्मोन। सो एक्सीडेंटली कुछ कुछ हार्मोन्स जो है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहा है और बाई चांस प्रेगनेंसी रह जाती है, जैसे एथिस्ट्रोन, नेरेथिस्ट्रोन, डाइथाइल सिल्बेस्ट्रोल, या किसी को ट्रीटमेंट चल रही है एंड्रोजेनिक एजेंट्स की और ऐसे में प्रेगनेंसी रह जाती है, तो उसकी वजह से मस्कुलिनाइजेशन ऑफ फीमेल जेनाइटालिया, दैट इज फ्यूज लेबिया एंड क्लाइटोरल हाइपरट्रोफी हो सकता है, एंड एथिस्ट्रोन, नॉर एथिस्ट्रोन एंड डाइथाइल सिल्बेस्ट्रोल की वजह से माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब एंड अपर वजाइना, वजाइनल कैंसर एंड माल फॉर्म टेस्टिस जो है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट इज मैटरनल डायबिटीज। वेराइटीज ऑफ माल फॉर्मेशन मोस्ट कॉमन आर हार्ट एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है वो डेवलप हो सकती है अगर मदर को पहले से डायबिटीज है, इधर इट इज जुवेनाइल डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, और इनिशियल स्टेज से अगर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस है तो ऐसे टाइम पे इतने रिस्क जो है वो रहते हैं, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ में अगर है एसेंशियल डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो पहले से प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में हार्ट एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू शुड फॉलो एंड व्हाट यू शुड नॉट फॉलो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आजकल हम जितनी भी चीजें देखते हैं हमारे आसपास, सब में केमिकल होता है, उसमें से कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है क्लीनिंग, और सभी फीमेल जो है वो ऑलवेज एवरीडे क्लीनिंग प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व रहती है, किचन का प्लेटफॉर्म साफ कर रही होती है, पीरियोडिकली टॉयलेट क्लीन करते हैं, बाथरूम क्लीन करते हैं, घर में जब पोछा मारते हैं, तो सब जगह पे आजकल हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं अलग अलग केमिकल्स आ गए हैं जिससे स्मेल अच्छी आती है, जिससे इजिली क्लीन हो जाती है सरफेस, लेकिन इफ यू आर प्रेग्नेंट देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, एंड कॉस्मेटिक्स उसका यूज भी डे टू डे लाइफ में बहुत होता है, सो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड मेक श्योर वॉट एवर क्लॉथ्स यू आर वेयरिंग उसमें से कलर जो है वो निकल ना रहा हो, या आर्टिफिशियल कलर जो है वो उतना ज्यादा केमिकल वाला कलर यूज ना हुआ हो। दिस इज द रीजन कि हम लोग ऑलवेज माइल्ड कलर के कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि माइल्ड कलर के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाई की जरूरत नहीं होती और ज्यादा लेड उसमें जो है वो यूज नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन क्लिक द बेल आइकॉन एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।